स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्याज ने लोगों को रुलाया, अब खाओ सेब। दुष्कर्म से दर्द से कराती रही 5 साल की मासूम, पहुंची अस्पताल तो डॉक्टर बोले आधार कार्ड लाओ तब करेंगे इलाज। प्रेम संबंध के चलते घर में बुलाकर 36 बार बात कर मौत के घाट उतारा। उन्नाव रेप केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया समय। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में इन दिनों प्याज के तेवर गर्म है, सेब को पीछे छोड़ने को बेताब है, बल्कि हल्के किस्म के सेब की कीमतों के मामले में पीछे भी छोड़ चुकी है। कॉटन मार्केट में हल्के किस्म के सेब की कीमत 60 से 70 प्रति किलो चल रही है, जबकि कॉटन मार्केट में प्याज की कीमतें भी 70 से 75 रुपए तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को यहां दिलचस्प नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के अनूपपुर दरिंदगी का शिकार बनी 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पुलिस और डॉक्टर ने भी मानवता को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। जहां पीड़ा से दर्द से तड़प रही बच्ची के उपचार में पुलिस की कानूनी दाव पेच बताया। वही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लापरवाही की है। डॉक्टर ने बिना आधार कार्ड बच्चे का उपचार ही नहीं किया। प्रेम संबंध के चलते साजिश के तहत युवक को घर में बुलाकर फिर चाकू से किया 36 बार वार और कर दी हत्या। यह मामला दिल्ली के पश्चिम बिहार के ज्वालापुरी की दर्शाई जाती है। यहाँ एक युवक को अपने घर के पास रेलवे लाइन पर एक लड़की के भाई ने बातचीत के लिए बुलाया था, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित का भाई जब तक पहुँचता तब तक आरोपियों ने उसका काम तमाम कर चुका था। पुलिस आरोपियों की छानबीन में जुटी है। उन्नाव रेप केस पीड़िता एक्सीडेंट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को पूरी करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।